A very good morning to all the students of BSc Part 2 Pass Course and BSc Part 2 Honors Course. Velocity and Acceleration Series का Lecture 7 हम आज पढ़ने जा रहे हैं. हम इसके पहले Radial Velocities, Radial Acceleration, ट्रांसवर्स वेलोसिटीज और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर चुके हैं. आज हम उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आज और ले रहे हैं. देखिए, ये प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आई है. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं और इसको समझते हैं ये प्रॉब्लम क्या कह रही है. देखिए आप, अ पार्टिकल describes a circle of radius a, ठीक है, with a uniform speed v. क्या मतलब इसका? इधर देखिए आप, यहां आपको इस डायग्राम में एक सर्कल दिखा है, वृत्त, ठीक है, एक प्लेन में बना हुआ है ये. एक पार्टिकल इस सर्कल के अनुदिश अलोंग चल रहा है. या तो हम ऐसे कह दें या हम यूं कह दें कि पार्टिकल चलता चलता एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं डिस्क्राइब्स, ठीक है, ये इसका मतलब है. अच्छा, एक और बात क्या गिवन है कि जब पार्टिकल इस सर्किल पे चल रहा है तो इसकी चाल कांस्टेंट है. आप देखिए क्या लिखा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल. तो हम यहाँ पर वर्ड स्पीड यूज़ कर रहे हैं, वेलोसिटी यूज़ नहीं कर रहे. तो क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए आप कि जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ चल रहा है इस पॉइंट पे, इधर ध्यान देखिए डॉट लगाया मैंने, तो इस पॉइंट पर इसकी स्पीड v है. यहाँ आया तो भी इसकी स्पीड वही v है. लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इसकी कॉन्स्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है साहब? क्योंकि यहाँ पर आप एक बात ये सोचेंगे कि वेलोसिटी और चाल में अंतर क्या होता है. चाल केवल परिमाण को बताती है, मैग्नीट्यूड को, और वेलोसिटी परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताती है. तो जब पार्टिकल इस सर्किल के अलोंग चल रहा है तो किसी भी पॉइंट पर जो इसके वेग की दिशा है, हम जानते हैं वेग की दिशा हमेशा जब कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग चलता है तो उसकी दिशा हमेशा टेंजेंशियल होती है. देखिए आप, मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ए पॉइंट पर ये वेलोसिटी की दिशा ये रही, ठीक है, फिर ये यहाँ आया मान लीजिए इस पॉइंट पर बी पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा ये रही. तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा अलग अलग होगी. तो भले ही वेलोसिटी का परिमाण सेम हो, जिसको हम चाल कह सकते हैं, पर चूंकि इसकी दिशा अलग अलग है तो वी कांट से कि वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है. इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कण की चाल अचर है, अचर चाल v से चलता है. तो अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है. शो दैट एट एनी पॉइंट r, थीटा, मतलब क्या है, किसी पॉइंट, ऐसे पॉइंट पर जिसके कि ये कोऑर्डिनेट हैं r, थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, हमको पता करना है कि इसकी रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये और ये है. ये तो है इसका रेडियल एक्सेलरेशन, ये प्रूव करना है, और ये है इसका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये प्रूव करना है. और क्या गिवन है? देखिए अब जो लाइन में पढ़ने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते. इफ अ डायमीटर इज टेकन एज द इनिशियल लाइन, क्या मतलब हुआ कि जिस वृत्त पर कण चल रहा है उस वृत्त का एक व्यास, डायमीटर मतलब व्यास, को इनिशियल लाइन लिया गया है. डायमीटर इज टेकन एज इनिशियल लाइन एंड वन एंड ऑफ दिस डायमीटर एज पोल. मतलब ये जो ग्रीन कलर से मैंने अभी अंडरलाइन किए, इन अंडरलाइंस में आपको इनिशियल लाइन और
पोल की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको किनको लेना है, क्योंकि जब तक इनिशियल लाइन और पोल हमको पता नहीं होंगे, हम किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लेंगे, आर का मतलब क्या होगा, थीटा का मतलब क्या होगा, वो जब ही होता है जब इनिशियल लाइन और पोल हमको फिक्स गिवन होते हैं। तो ये तो देखिए साहब कुल मिला के क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, फिर से देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपको रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने हैं, और क्या क्या गिवन है कि एक कण किसी सर्किल पे चल रहा है और उस सर्किल पर इनिशियल लाइन और पोल क्या लेने हैं। तो देखिए आप, ये वो सर्किल है जिस पे कण चल रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये सर्किल का सेंटर है सी, यहाँ पर आपको इसकी जगह ये ओ की जगह सी कर देना है, ठीक है। लेट ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ सेंटर सी एंड रेडियस ए, ठीक है। अब हमने क्या किया साहब, इसका जो डायमीटर है ना ओ सी ए, देखिए ओ सी ए आपको लाइन दिख रही है चित्र में, ये रहा ओ पॉइंट, ये सी और ये ए, ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको अभी अभी हाईलाइट करके लाइन बताई है, ये इस वृत्त का एक व्यास है, इसको हमने इनिशियल लाइन मान लिया है, इनिशियल लाइन जो कि हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में ली जाती है, और इस पॉइंट को हमने पोल ले लिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक व्यास को इनिशियल लाइन मानिए और उस व्यास के एक सिरे को पोल मानिए, तो ये व्यास का सिरा हो गया साहब, ये इसके दो सिरे हैं ओ और ए, तो हमने ओ को पोल मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, देखिए, देन पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो सर्किल है जिस पे कण चल रहा है, ठीक है, इसकी पोलर इक्वेशन, यानी एक्चुअली जिस पथ पर, जिस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है, उस पाथ की हम इक्वेशन लिख रहे हैं। अब ये सवाल आ गया साहब, ये इक्वेशन इस सर्किल की कैसे आई, और दूसरा सवाल ये भी आया कि क्या हर सर्किल की पोलर इक्वेशन यही होती है, तो इस सेकंड सवाल का तो आंसर है नहीं, हर सर्किल की पोलर इक्वेशन ये नहीं होती है, ये इस सर्किल की पोलर इक्वेशन है जिसके लिए इनिशियल लाइन इसका एक डायमीटर है, और इनिशियल लाइन इस डायमीटर का जो एक एंड पॉइंट है ओ, वो उसका पोल है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इक्वेशन कैसे आई। देखिए आप, आपने क्या किया, एक लाइन बनाई जो P से लेकर A तक ज्वाइन हो रही है, ये देखिए P से, P को मैंने A से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा वाला, ओ पी ए, देखिए आप यहाँ नाम लिख रहा हूँ मैं ओ पी ए, ओ पी ए इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दूँ कि साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, समकोण त्रिभुज क्यों है। तो देखिए आप, ये जो एंगल है ना साहब, ये वाला एंगल, दिस एंगल ओ पी ए एंगल इज 90 डिग्री। क्यों है ये 90 डिग्री, क्योंकि ये एक सर्किल की प्रॉपर्टी है कि एंगल मेड इन ए सेमी सर्किल इज ऑलवेज ए राइट एंगल। ये जो आपका ओ से लेकर ए तक का भाग है, देखो जो जहाँ मैं अभी राइट कलर से पेन चला रहा हूँ, ये एक सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा बनाया गया हर कोण 90 डिग्री होता है, ये एंगल मेरा पाई बाई टू है, ओके। अब ये जो ट्राइंगल है ओ पी ए, इसको मैंने यहाँ पर अलग से भी रीड्रॉ कर रखा है, देखिए आप यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर देखिए आप, ये वाला ट्राइंगल एरो किया मैंने, ओ पी ए ट्राइंगल जो ऊपर मैंने अभी बनाया था ना, उसको मैंने यहाँ बना रखा है ऊपर, हालांकि मैंने पी से ए को ज्वाइन नहीं कर रखा, तो मैंने अलग से बना दिया। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए ओ पी लेंथ आर है, क्यों है आर बताओ। तो इसके पहले एक बात मैं आपको बोलना भूल गया कि ये जो पी पॉइंट है ना साहब, यही वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर थीटा गिवन है,
अब आप यहाँ पर अब अप्लाई कीजिए अपनी पोलर कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज कि आर का मतलब क्या होता है। आर आर का मतलब होता है लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पर इस डायग्राम में रेडियस वेक्टर क्या कौन है? रेडियस वेक्टर है इसमें ओपी। रेडियस वेक्टर किसे कहते हैं? जिस पॉइंट के हम पोलर कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं उसको पोल से ज्वाइन कर दीजिए, यानी कि पी को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। तो वो ऑलरेडी यहाँ ज्वाइंड है ओपी लाइन। इस ओपी लाइन की लेंथ को ही हम आर कहते हैं। और फिर ये भी हम देख लें कि फिर थीटा कौन होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन। तो रेडियस वेक्टर देखिए आपकी ओपी है, ये देखिए ये रेडियस वेक्टर इस डायग्राम में देखिए ओपी, और इनिशियल लाइन आपकी ओए है। इसी के बीच के एंगल को हम कहते हैं थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ओपीए, इसमें आपको एक तो एंगल पाई बाई टू पता है और एक एंगल थीटा आपने लिख दिया, और एक आपको इसकी ये लेंथ पता है ओपी लेंथ, ठीक है, और एक आपको लेंथ ओए भी पता है साहब। देखिए ओ से ए तक की लेंथ है 2a। कैसे बताइए? क्योंकि ये जो मेरा ऊपर सर्किल है ना साहब, इसमें इस सर्किल की त्रिज्या a है, तो a और a ऐड होकर हो गया 2a। ओके, तो अब आप क्या कीजिए साहब, इस ट्रायंगल में OPA में यहाँ पर नीचे मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो विथ रेफरेंस टू दिस एंगल, ये जो मेरा एंगल है ना सब थीटा, इसके रेफरेंस में इस थीटा के जो अपोजिट साइड है ये वाली, ये तो आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये साइड आपका हो गया बेस, इसको हम कहते हैं आधार। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये वाली 2a साइड हो गया कर्ण, इसको जो हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो आपको समझ में आ गया होगा आधार अपॉन कर्ण का फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ पर ये लिख लिया कॉस थीटा, और फिर मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी OP और OA की, तो ये आ गया R इक्वल्स टू 2a cos थीटा। ये इस ये जो इक्वेशन आई ये इस सर्किल की, जिस सर्किल पे पार्टिकल चल रहा है ये इसकी पोलर इक्वेशन हो गई। ओके, फिर देखिए यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम और कर रहे हैं। कौन सा इम्पॉर्टेंट काम? हम यहाँ पर कुछ रेखाएं आपको दिख रही होंगी, एक तो अभी मैंने आपको जिक्र किया ओपी का, ओपी लाइन तो मिल गई, फिर एक आपको मैंने एक रेखा आपको दिख रही है इसमें पीसी, पीसी रेखा को मैंने बनाया है, पीक पॉइंट को मैंने सर्किल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर एक लाइन आपको यहाँ पर ये दिख रही है, देखो इस ये वाली, ये मैं आपको ग्रीन कलर से बताता हूँ, ये लाइन जिसको मैंने डॉट 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 करके बनाया है, जरूर नहीं आप इसको ऐसे बनाएं। अब इस रेखा की क्या इंपॉर्टेंस है, ये रेखा कैसे बन गई? तो साहब ध्यान से सुनना, ये पी पॉइंट पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन किसे कहते हैं साहब? पी पॉइंट पर वह रेखा जो ओपी के लंबवत है, मतलब ओपी है रेडियल डायरेक्शन और ओपी के लंबवत, यानी कि आप ध्यान से देखिए आप, ये एंगल 90 डिग्री होगा साहब मेरा ये वाला, ठीक है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। फिर अब मैंने और क्या किया, देखिए एक इंपॉर्टेंट काम मैंने यहां पर, एक वेलोसिटी को भी बना रखा है पी पॉइंट पर जो कि टेंजेंशियली लग रही है, ये दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट है यहां पर टेंजेंट। अब आपको यहां पर ध्यान से एक बात समझनी है और एग्जाम में याद करके जानी है कि इस पूरी छोटी सी जगह में आपको यहाँ पर एक दो तीन, तीन तो छोटे एंगल दिख रहे हैं, देखिए आप ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ अलग अलग कलर से। देखिए सर, एक तो ये वाला एंगल है, दिख गया आपको ग्रीन कलर में, एक एंगल देखिए रेड कलर में ये रहा, दिख गया, और एक एंगल देखिए येलो कलर में ये रहा, ठीक है। और ये तीन एंगल हमने समझ लिए। फिर अब आप देखिए इसके बाद यहाँ पर
दो राइट एंगल हैं, पी पॉइंट पर दो 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। देखिए कैसे, अभी मैं आपको जो पेन से बना के बताऊंगा वो 90 डिग्री के कोण पर निशान करके बताऊंगा। देखिए पहले रेड कलर्स को यूज़ करते हैं अपन। देखिए आप, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बताओ सब रीज़न क्या है इसका, वाई दिस इज 90 डिग्री? क्योंकि किसी भी सर्किल में टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो PC तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो है सब रेडियस PC लाइन, और ये है आपकी टेंजेंट। तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये तो अपन ने बात समझ ली सारी, तो ये हमने रेड कलर को इरेज कर दिया। एक दूसरा एंगल हमको यहाँ पर 90 डिग्री और बन रहा है P पर, वो देखिए ये वाला एंगल है। ये तो मैंने अभी आपको बना के बताया ही था, वापस से बना रहा हूँ। ये क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि रेडियल दिशा और ट्रांसवर्स दिशा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये तो है आपकी रेडियल डायरेक्शन, ये है आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो कुल मिला के याद क्या करना है अपन को, समझना क्या है कि P पॉइंट पर दो 90 डिग्री के एंगल निर्मित हो रहे हैं। फिर एक और बात देखिए, समझिए कि ये जो मेरा एक ट्रायंगल है, देखिए इधर OCP, इस ट्रायंगल पे अपना ध्यान फोकस कीजिए आप। OCP जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल एक विशेष प्रकार का है, ये है आइसोसेलीस, इसको कि हम हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। बताइए इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर क्यों हैं? इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, OCP की। इसको मैंने अभी अभी ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है। इसकी दो भुजाएं देखिए, ये वाली और ये वाली भुजाएं बराबर हैं इसकी। वाई? क्योंकि ये दोनों हमारे सर्कल की रेडियाई हैं और इस त्रिभुज की भुजाएं भी हैं, तो रेडियाई हमेशा इक्वल होती हैं। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल होती हैं साहब, तो हम एक छोटी सी बात जानते हैं, फिर उन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाले और ये वाले। ये एंगल तो मुझे नोन है थीटा, तो मैंने कहा साहब फिर ये एंगल भी थीटा है। मतलब इस एंगल को थीटा मैंने किस लॉजिक से लिखा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, आप दो थीटा आपको समझ में आ गए। एक तो ये थीटा हमने अज्यूम किया था, ये हमने इसके अभी भी इक्वल क्लेम किया, और एक थीटा ये वाला, ये भी एंगल थीटा के इक्वल होगा। ये भी रीजन समझ लीजिए साहब, ऐसा क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको ये लॉजिक याद करके आना है कि यहाँ पर P पॉइंट पर दो एंगल 90 डिग्री के हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए आप, तो अगर ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री है, देखिए इधर मैं इसको रेड ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये वाला यहाँ से लेकर ये, अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री में इतना एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल मेरा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अगेन आप देखिए, मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। अब की बार ये एंगल वापस 90 डिग्री है, ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, देखिए ये एंगल, ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये वाला एंगल इसका पार्ट 90 डिग्री माइनस थीटा है, देखिए इसका ये वाला पार्ट, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा साहब? ये वापस थीटा होगा। तो आई हैव प्रूव दैट कि ये वाला एंगल थीटा कैसे बना, ये वाला। तो मेन बात क्या है, देखिए पी पॉइंट पर दो 90 डिग्री का एंगल बनना और इस एंगल को थीटा कैसे क्लेम करना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक लास्ट कंसेप्ट की बात और आ रही है कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके हमने यहाँ पर घटक लिखे, घटक लंबवत घटक, रिजॉल्व पॉट्स। एक तो देखिए घटक ये दिख रहा है आपको वी साइन थीटा और एक वी कॉस थीटा, है ना। इसको मैंने एक अलग से डायग्राम में भी यहाँ शो किया है, देखिए ये रहा, ये वाला डायग्राम, ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, आप PDF खोल के रखना उसमें दिख जाएगा आपको। और ये एंगल मेरा एक थीटा है, ठीक है, ये देखिए वेलोसिटी और ये एंगल थीटा। तो अब आप वो घटक वाली थ्योरी याद कीजिए जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है कई बार। तो एंगल के साथ वाला घटक कॉस लगा के आता है,
और एंगल से परे वाला घटक साइन लगा के आता है, ठीक है। तो ये इस तरफ वाला वी का घटक वी कॉस थीटा होगा और इस तरफ वाला घटक वी साइन थीटा होगा। तो ये आ गया साहब आपके, यहाँ पर रेड कलर में देखिए मार्क कर रखे हैं मैंने ये घटक, ये वाले, ये और ये। अब आप ध्यान से देखिए साहब कि ये वाला जो घटक है ना वी साइन थीटा, इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा अरीय दिशा के विपरीत है। ये इसका एरो शो हो रहा है, देखिए ये अरीय दिशा की पॉजिटिव दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और वी साइन थीटा की दिशा इसके अपोजिट है, अपोजिट इसके। तो ये एक्चुअली किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण का अरीय वेग लेकिन अपोजिट दिशा में। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला, ये तो साहब लगी ट्रांसवर्स दिशा के अलोंग रहा है, वी कॉस थीटा के अलोंग लग रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी के। तो ये सारे जो मैंने कंसेप्ट डिस्कस किए, ये सारी जो मैंने आपको थ्योरी डिस्कस की, उसके आधार पर मैंने ये दो लाइनें लिखी हैं। देखिए साहब, मतलब अब तक का जो हमारा डिस्कशन था वो इन दो इक्वेशन को लिखने के लिए था। क्या कह रहे हैं? देखिए अपन रेडियल वेलोसिटी एट पी बराबर करके क्या लिखा? सबसे पहले मैंने रेडियल वेलोसिटी का लिखा फॉर्मूला, और फिर इसकी लिखी मैंने एक्चुअल वैल्यू जो कि क्वेश्चन में या चित्र में हमने फाइंड की। इसी प्रकार ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी का फॉर्मूला और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो हमने चित्र में फाइंड की। तो एक्चुअली ये दो इक्वेशन अगर आप समझ के लिखना सीख गए तो फिर इस क्वेश्चन में आगे का जो भाग है वो तो केवल मैथमेटिकल है, ठीक है। तो देखिए हम आगे वाले पार्ट को और समझ लेते हैं, मैथमेटिकल वाले पार्ट को। इनको हमने नंबर टू और थ्री यहाँ पर डाल दिया है। अब सबसे पहले नंबर थ्री इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू डी थीटा बाई डी टी के लिए। मैं इस आर को आर एच एस में ले गया नीचे इधर, देखिए आप, और फिर आर की जगह पुट कर दिया टू ए कॉस थीटा, आर बराबर टू ए कॉस थीटा। ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ इक्वेशन वन डाल के, इसलिए मैंने लिखा यूजिंग वन। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और ये आ गया थीटा डॉट की वैल्यू। थीटा डॉट कौन है? एक्चुअली डी थीटा बाई डी टी, ओके। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने थीटा डॉट निकाल लिया है, अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग टू, दो का अवकलन करने पर दो, ये री इक्वेशन देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर दो है। तो ये डी आर बाई डी टी एक्चुअली कौन है? मेरा आर डॉट है। तो इसका मैंने जब दोबारा अवकलन किया तो आई गेट आर डबल डॉट, यानी कि डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा बताओ? यहाँ पर वी तो कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहा, माइनस साइन भी ऐसे ही रहा, साइन थीटा इस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। फिर अगेन मैंने यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू देखो पुट कर दी है आगे वी बाई टू ए, ये वाली। तो कुल मिला के सॉल्व करके आर डबल डॉट की वैल्यू ये आ गई। फिर इस आर डबल डॉट की वैल्यू और थीटा डॉट की वैल्यू को मैंने किस में पुट कर दिया? देखिए किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन का, निकालना यही है। तो ये आर डबल डॉट की वैल्यू पुट कर दी, आप चाहो तो उसको नंबर डाल सकते हो, चार नंबर या लिख देना यूजिंग फोर, और थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दी। थीटा डॉट की वैल्यू मैंने फोर तो मैंने पुट किया हुआ है ऊपर नंबर, इसको फाइव पुट कर देते हैं यूजिंग फोर एंड फाइव, फोर और फाइव से वैल्यू पुट कर दी और इसको फिर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये कुल मिला के देखिए आ गया रेडियल एक्सेलरेशन। ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसको आप अपने आप कर लेना। फिर देखिए आगे, अब हमने निकाला ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप कंप्लीट कर लेना। ये आपके आ गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। तो ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे क्वेश्चन की जो मेन बात है, कौन सी मेन बात है साहब? देखिए इन दोनों इक्वेशंस तक पहुंचना समझकर, और ये जो आपको पूरा ये लंबा चौड़ा दिख रहा है आपको पैराग्राफ, ये कहलाती है साहब क्वेश्चन का, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कि लिखना बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर बुक खोल के देखोगे तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज मिलेगी। एक तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है और एक आपको उस डायग्राम को डिस्क्राइब करना पड़ता है। ये लैंग्वेज हम क्वेश्चन को पढ़ के लिखते हैं, ठीक है।
तो ये धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी आपका सजेशन, कोई भी आपकी क्वेरी, यू कैन आस्क बाई राइटिंग इन कमेंट सेक्शन, और भी कोई आपके सुझाव हो तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।